माई चैनल एंड दिस नेहा। और आज मैं आप लोगों के सामने अंकिता श्रीवास्तव कॉर्डिस्टा चैनल, आप तो जानते ही होंगे, काफी फेमस है, उनका लुक क्रिएट की हूँ। आई नो उतना अच्छा तो नहीं हो पाया, बट मैं ट्राई की कि उनके जैसा हो पाए। तो अगर आपको ये लुक अच्छा लगा तो चलिए स्टार्ट करते कि मैंने ये लुक कैसे क्रिएट किया। और अगर 50% भी मैच करे फ्रेंड तो कीजिए मेरे चैनल को लाइक। मैंने अपने फेस पे ऑलरेडी मॉइस्चराइजर लगा लिया। अब मैं फाउंडेशन से स्टार्ट करूंगी, उसके लिए मैं लॉरियल का मैट मैजिक फाउंडेशन यूज कर रही हूँ। और इसको मैं अपने हाथ से मेल्ट करने वाली हूँ फ्रेंड। फ्रेंड मैं अपने फाउंडेशन को सेट करने के लिए पिक्चर परफेक्ट कॉम्पैक्ट यूज करने वाली हूँ, जो कि ब्लू हेवन का कॉम्पैक्ट पाउडर है और ये काफी अच्छा और स्मूथ है इसका फिनिशिंग। सो मैं इसको अप्लाई करूंगी फ्रेंड। और ये आपको ब्लू हेवन के ऑफिशियल साइट पे मिल जाएगा, आपको लोकल शॉप में नहीं मिलेगा फ्रेंड, क्योंकि ये न्यू ही है। सो आप वहां से ले सकते हैं। और अगर इस कॉम्पैक्ट पाउडर का आप रिव्यू वीडियो देखना चाहते हैं फ्रेंड, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड मैं अपने आईब्रो को फिलअप करूंगी। शिवाना का ब्लश पैलेट यूज करने वाली हूँ कॉन्टोरिंग, हाइलाइटिंग और ब्लश के लिए। फ्रेंड मैं इस पैलेट से सबसे लाइट पिंक शेड यूज करने वाली हूँ, ये कलर। बिकॉज कॉर्डिस्टा मैम का भी बहुत लाइट है।
बाद फिर मैं वेगा का ब्रश से ब्लैक कलर का आई शेडो लेके अपने आईलिड पे पुट करने वाली हूँ। फिर मैं ये पैलेट से ब्राउन साइड को कंटूर को एज अ आई शेडो यूज करने वाली हूँ अपने नीचे आईज के, क्योंकि अंकिता मैम का भी ऐसे ही था नीचे में। इसके बाद मैं फ्रंट इनर कॉर्नर को हाईलाइट करने वाली हूँ हाईलाइटर के हेल्प से। अंकिता मैम के पिक में भी आप देखेगा उनका इनर कॉर्नर हाईलाइटेड लग रहा है। अंकिता मैम वही है कोरलिस्टा चैनल इनका है। लिपस्टिक यूज कर रही हूँ। मैं अपने लिप को पहले से मॉइस्चराइज कर चुकी थी फ्रेंड, और मेरा शेड नंबर है 24। ये रहा मेरा फाइनल लुक। अगर आपको ये लुक अच्छा लगा और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को कीजिए लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब।